हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारा जैनिज्म टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो जैनिज्म था उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। इसमें हमने देखा था कि 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से फर्स्ट थे ऋषभनाथ, और 24th नंबर पे जो आते हैं वो है लॉर्ड महावीरा। और जो जैनिज्म का स्टार्टिंग था वो हुआ था लॉर्ड महावीरा के साथ। फिर हमने देखा था लॉर्ड महावीरा के बारे में डिटेल में कि लॉर्ड महावीरा थे, फर्स्टली वो 24 तीर्थंकर थे, सेकेंडली उनका बॉर्न हुआ था, कब वो बॉर्न हुए थे, 540 BC में, कहाँ पे हुए थे, कुंडाग्राम नियर वैशाली। और इनके जो फादर थे उनका नेम था सिद्धार्थ, और इनकी जो मदर थी दैट उनका नेम था त्रिशाला। और फिर क्या हुआ था, इनकी मैरिज हो गई थी यशोदा से, और इनकी एक बेटी थी प्रियदर्शी सेना। इनकी जो बेटी थी, इनका जो मैरिज हुई थी वो हुई थी जमाली से, और जमाली इनका फर्स्ट डिसाइपल भी था, लॉर्ड महावीरा का फर्स्ट डिसाइपल था जमाली। और जब ये 30 के हुए ये एस्केटिक हो गए, और इन्होंने घर बार छोड़ दिया। घर बार छोड़ने के बाद हमने देखा था क्या किया इन्होंने, कि जो 13th ईयर ऑफ पिनेंस, जब इन्होंने घर बार छोड़ दिया उसके 13वें साल के बाद इनको एक स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन हो गई, जिसे हम कहते थे केवाला जनाना। केवाला जनाना कहते थे, मीन्स हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज उनको अटेन हो गई थी। ठीक है, और फर्स्ट हमने देख लिया कि इनका डिसाइपल था जमाली, इनका जो सन इन लॉ था वही इनका फर्स्ट डिसाइपल था। ठीक है, अब देखो, फिर हमने देखा था कि इनके जो फर्स्ट सर्मन था इन्होंने वो दिया था पावा में। जैसे फर्स्ट सर्मन बुद्धिज्म का देखा था हमने, कान दिया था हमने बुद्धिज्म में। यस, ये आप क्वेश्चन बताओगे, आपकी इससे रिविजन भी हो जाएगी। और महावीरा ने फर्स्ट सर्मन दिया था पावा में। और देखो, जो इनके एक सिंबल रिलेटेड है वो है लॉयन। फिर हमने देखा था जो इनके मिशन थे वो थे कौशाला में, मगध में, मिथिला, चंपा। फिर जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट हमने देखा था कॉजेज क्या थे ओरिजिन के, वो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं क्या क्या थे, कि रिलीजियस अनरेस्ट था, कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे, सेक्रीफिशियल सेरेमनीज थी, सुपरस्टिशियल बिलीव थे, और टीचिंग ऑफ उपनिषद विच वॉज नॉट ईजली अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था वट आर दी टेनेंट्स ऑफ जेनिज्म। टेनेंट्स ऑफ जेनिज्म को क्या कहते थे हम, थ्री ज्वेल्स। थ्री ज्वेल्स थे जो जेनिज्म में, वो क्या थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। इनके आपको सेकेंड नेम भी याद रखने हैं, क्या है, दर्शना, समयाजना और समयाचरिता। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था फाइव डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म कौन सी थी, नॉन इंजरियस टू लिविंग बींग, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरग्रह एंड ब्रह्मचार्य। ये फाइव डॉक्ट्रिन्स थी जैनिज्म की। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि जैनिज्म का जो कंसेप्ट था गॉड के रिलेटेड क्या था, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे जो जैनिज्म था उसको प्रोपेगेट, लाइक स्प्रेड कैसे किया गया। ठीक है, जो जैनिज्म था उसको स्प्रेड किया गया था, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे लोग, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म, गॉड का क्या कंसेप्ट था जैनिज्म में। अब देखो, जो जैनिज्म में जो लोग थे ना, जैनिज्म में बिलीव करते थे कि यूनिवर्स है ना वो एटर्नल है। एटर्नल का मतलब होता है कि उसका कोई एंड नहीं है और ना ही उसकी कोई बिगनिंग है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स जो है ना अपने आप चल रहा है, और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और ना ही ये क्रिएट किया जा सकता है। जैसे देखो लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड फॉर समवन टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये अपने आप चल रहा है। हेंस जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज अ क्रिएटर, सर्वाइवर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। बट क्या कहते थे जैनिज्म में, जैनिज्म में माना जाता था कि कोई भी चीज है उसमें क्या है, लाइफ होती है और उसको भी पेन फील होता है व्हेन दे इंजर्ड। ठीक है, और इसके अलावा देखो क्या कहते हैं, कोई भी वो क्रिएटर में तो मानते नहीं थे। उनका मानना था कि व्हेन अ पर्सन डिस्ट्रॉयज ऑल हिज कर्मा, जब एक पर्सन अपने सारे कर्मा को छोड़ देगा, ही बिकम अ लाइबरेटेड सोल, वो एक बहुत ही मतलब एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेगा। ही लिव इज अ परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट इन अ मोक्ष फॉर एवर। लाइबरेटेड सोल जो होती है प्रोसेस करती है इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजन। देखो, जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी, आपके पास इनफाइनाइट नॉलेज होगी, इनफाइनाइट विजन होगा आपके पास, और आपके पास पावर भी इनफाइनाइट होगी। तो सेम यही लिखा गया कि जब आप अपने सारे कर्मों को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम एनलाइटनमेंट गेन कर लेते हैं। और हर इनका मानना ये भी था कि हर बंदा, हर इंसान है जो,
उसमें पोटेंशियल है कि वो खुद गॉड बन सकता है. कैसे बन सकते हैं? अपने कर्मास को डिस्ट्रॉय करके. हैंस जैनिज्म डू नॉट हैव एन वन गॉड, बट जैन गॉड्स आर इन्यूमरेबल एंड देयर नंबर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. बिकॉज देखो, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज क्यों होगा? जब हर पर्सन अपने कर्मा को मार देगा, तो इनका मानना यही था कि वो गॉड बन जाएगा. उसके पास इन्फानाइट नॉलेज होगी, इन्फानाइट विजन होगा, इन्फानाइट पावर होगी, तो ऐसे क्या होगा, वो खुद गॉड बन सकता है. तो इसलिए जो नंबर ऑफ गॉड थे वो इंक्रीज हो रहे थे जैनिज्म में. आप देखो, एक आपको और पॉइंट पता होना चाहिए. जो जैन जैनिज्म में है ना, वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे. महावीरा जो थे वो रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड ऑब्जेक्टेड टू वेदिक रिचुअल्स. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. सेकंड देखो, हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जैनिज्म था वो स्प्रेड कैसे हुआ. कितने स्कूल थे जैनिज्म के? जो जैन में देखो, जैनिज्म का स्प्रेड होता है वो होता है मेनली दो सेक्ट से होता है. दैट वन इज दिगंबर एंड सेकेंड वन इज श्वेतांबर. अब देखो, दिगंबर कौन थे एंड श्वेतांबर कौन थे, इनका पता होना चाहिए. अब देखो, जो मगध था, हमने देखा था हमारा एक महाजनपद था मगध, सबसे पावरफुल उस टाइम पे महाजनपद थी मगध. तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब यहाँ पे ना थोड़ा फेमाइन आ गया, तो क्या था, कुछ लोग साउथ की तरफ मूव हो गए. साउथ की तरफ मूव हो गए, कौन मूव हो गए थे? जिन्होंने ऑलरेडी जैनिज्म अडॉप्ट किया हुआ था. और जो लोग साउथ की तरफ मूव हुए, उन लोगों को हेड कौन कर रहा था, उनके ग्रुप को लेड कौन कर रहा था? दैट इज भद्रबाहु. और जो साउथ की तरफ मूव हुए थे उन लोगों को हम कह देते हैं दिगंबर्स. एंड जो नॉर्थ में रह गए उनको हम कह देते हैं श्वेतांबर्स. अब इनका डिफरेंस आपको पता नहीं चाहिए कि श्वेतांबर्स में क्या डिफरेंस था, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, एंड दिगंबर्स की प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. चलो स्टार्ट करते हैं हम दिगंबर से. दिगंबर्स कौन थे? फर्स्टली आई अभी आपको बताया, जिनको लेड कर रहे थे भद्रबाहु. अब देखो, दिगंबर्स का पढ़ लेते हैं हम. मॉन्क्स ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी. ये क्या थे? ये बिल्कुल न्यूड रहते थे. इंडिया दे डू नॉट बिलीव टू वियर क्लॉथ्स, वाइल फीमेल मॉन्क्स थी वो अनस्टिच वाइट साड़ीज डालती थी. बट जो मेल्स होते थे उन वो बिलीव नहीं करते थे कि हमें कोई कपड़े डालने हैं. ठीक है, दिगंबर्स का मेन पॉइंट ये है कि दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी एंड मेल मॉन्क्स डू नॉट वियर एनी क्लॉथ्स, वाइल फीमेल मॉन्क्स वियर अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ीज. ठीक है, और जो दिगंबर्स थे, ये फाइव वर्ब्स अभी हमने देखे थे. फाइव वर्ब्स कौन कौन से थे? फाइव फाइव डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरग्रह एंड ब्रह्मचार्य. ये इनमें बिलीव करते थे. बट इनमें क्या बिलीव करते थे कि जो व्यूमेन है ना, वो लिबरेशन नहीं, उनको लिबरेशन नहीं हो सकती, कांट अचीव लिबरेशन. इनका मानना ये था, इनका माइंडसेट ही ऐसा था कि जो व्यूमेन्स हैं वो अपने लिबरेशन कभी भी अचीव ही नहीं कर सकती. और जो इसका आपको हेड तो ऑलरेडी बता दिया गया कि भद्रबाहु वाज एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट. इसमें अब आपको तीन ही पॉइंट याद रखने हैं कि दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी एंड फॉलो फाइव वॉब्स. एंड इसके अलावा आपको याद रखना है कि बिलीव दे बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन. हेड का तो आपको ऑलरेडी याद ही है. तो ये पॉइंट्स होंगे हमारे दिगंबर से रिलेटेड. और इसमें हम अब देख सकते हैं कि मेजर सब्सेक्ट कौन से थे और माइनर सब्सेक्ट कौन से थे. वैसे ये पूछे नहीं जाएंगे, बट आप एक बारी नजरों से निकाल सकते हो कि इसमें क्या थे. अब मेजर सब्सेक्ट जो है दिगंबर्स में, दैट इज मुल्ला संघ, बिसा पंथा, तेरा पंथा एंड तारान पंथा. तारा पंथा को हम क्या कह देते हैं? समाई पंथा. और जो माइनर सब्सेक्ट थे वो हमारे आ जाते हैं गुमान पंथा एंड टोटा पंथा. और इसके बाद अगर हम देखें श्वेतांबर, श्वेतांबर हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाता है दिगंबर्स के बाद. दिगंबर्स थे, अब देखो, जो नॉर्थ में रहते थे, दे लिव इन नॉर्थ. और वो कहाँ रहते थे? साउथ. ये आपका एक और पॉइंट बन सकता है. श्वेतांबर्स थे जो, ये श्वेतांबर्स मॉन्क थे, दे वियर वाइट क्लोथ्स, दे वाइट क्लोथ पहनते थे. और जैसे कि हमने देखा था दिगंबर्स फाइव वर्ब्स को मानते थे, बट जो श्वेतांबर्स थे ये फोर वर्ब्स को मानते थे. कौन कौन से थे? सत्य, असत्य, अहिंसा एंड अपरग्रह. ये ब्रह्मचार्य को एक्सेप्ट नहीं करते थे. ठीक है, और जैसा कि वुमेन्स के रिलेटेड उनकी थिंकिंग थी कि वुमेन्स लाइब्रेशन लिबरेशन जो है वो अचीव नहीं कर सकती, बट श्वेतांबर्स ना थोड़े लाइक ओपन माइंडेड थे. दे बिलीव दैट कि वुमेन्स लिबरेशन अचीव कर सकती है. और इनके जो हेड थे वो थे स्थूल बाहु.
स्थूल बाहु या स्थूल भद्रा, आप कुछ भी कर सकते हो। और अब इनमें मेजर सबसेक्ट आ जाएंगे, मूर्ति पूज का, मूर्ति पूजा करते थे, स्थान स्थान कुलसा, तेरा पंथी, ये मेजर सेक्ट आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम कर लेते हैं रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कि रीजन क्या था। फर्स्टली हमने देख लिया कि जैनिज्म जो है स्प्रेड हुआ था नॉर्थ में भी, साउथ में भी। साउथ में लेके गए थे भद्रबाहु जो कि दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करते थे। बट रीजन क्या था, हम ये जैनिज्म जो है स्प्रेड ही क्यों हुआ, ठीक है, अब इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट जो रीजन हमारा आ जाता है दैट इज एक तो देखो हमने देखा था कि ग्रेट मौर्यन मौर्यन किंग जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके लास्ट ईयर में क्या हुआ, उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया तो उन्होंने भी प्रमोट किया जैनिज्म को कर्नाटका में, तो इसकी वजह से भी स्प्रेड हुआ जैनिज्म। सेकेंड हमने देखा था जो मगध में फेमाइन आ गया था उसकी वजह से भद्रबाहु साउथ में चले गए अपने सेक्ट के साथ, और वहां पे इन्होंने जो जैनिज्म रिलीजन था उसको स्प्रेड किया। नेक्स्ट देखो, इन उड़ीसा इट इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग ऑफ खरवेला। फिर हमारा जो है महावीरा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिस्पोलिज्म व्हिच एडमिटेड बोथ मैन एंड वीमेन। बस यही मेन रीजन है आपके, यही आपको बताने चाहिए। नेक्स्ट देखो, जेन लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं हम कि जेन का जो लिटरेचर था वो कैसा था। जेनिज्म में देखो जो लिटरेचर आता है ना इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो मेजर कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज अगम लिटरेचर। अगम लिटरेचर में क्या आता है, लॉर्ड महावीरा प्रीचिंग वॉज मैथोलॉजिकली कंपाइल्ड बाई हिज फॉलोवर्स इन टू मैनी टेक्स्ट, दीज टेक्स आर कलेक्टिवली नॉन एज अगम्स एंड सेक्रेट बुक ऑफ जर्नलिज्म। अगम लिटरेचर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप। अब देखो जो लॉर्ड महावीरा थे उनके जो टीचिंग थी उनके फॉलोवर्स ने एक बुक में लिख दी जिनको कहा गया अगम लिटरेचर, और जो उनकी बुक्स थी टेक्स्ट था उनको कह दिया अगम्स। अब जो अगम्स है इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, अंग अगमा और अंग भया अगमा। अंग अगमा कौन क्या थे, जो डायरेक्ट प्रीचिंग थी मतलब जो डायरेक्ट टीचिंग थी, लॉर्ड महावीरा डायरेक्टली कहते थे, उनकी जो टीचिंग थी एक बुक में लिख दी गई उनको हम कह देते हैं अंग अगमा, और जो इनकी कंपाइलेशन है उनको कह देते हैं गंधारास, गनाधारास, गनाधारास, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो इनकी डायरेक्ट टीचिंग थी उनकी कंपाइलेशन को कहते हैं गनाधारास, और ये कौन सी बुक में है, अंग अगमा। गनाधारास क्यों कहते हैं, बिकॉज लॉर्ड महावीरा के जो इमीडिएट डिसाइपल थे वर नॉन एज गनाधारा, एंड ऑल गनाधारास पोसेस परफेक्ट नॉलेज। उनके पास परफेक्ट नॉलेज थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, केवल ज्ञान या केवल केवाला जनाना, ठीक है। दे ऑरली कंपाइल्ड द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इनटू 12 मेन टेक्स्ट। इन्होंने 12 मेन टेक्स्ट में लॉर्ड महावीरा की जो टीचिंग थी उनको कंपाइल किया था, और दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज अंग अगमस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है अंग भया अगमस। अंग भया अगमस क्या होता है, ये ना अंग अगमस जो है उसकी की ही एक्सपेंशन है, और इनको जो देवर कंपाइल बाय कंपाइल किया गया था वो किया गया था श्रुता कावेला, श्रुता कावेला। ये ना वर्ड थोड़े प्रोनाउंस करने डिफिकल्ट होते हैं, तो आप इनको जितनी बार रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। श्रुता केवालिन। मोंक्स हु हैड नॉलेज ऑफ मिनिमम ऑफ 10 पूर्वास आर नोन एज श्रुता केवालिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नॉन अगम लिटरेचर। नॉन अगम लिटरेचर पहले हमने देखा अगम लिटरेचर, अब हमारा आ जाता है नॉन अगम लिटरेचर। नॉन अगम लिटरेचर में क्या आ जाता है, कमेंट्रीज थी और एक्सप्लेनेशन थी, जो अगम्स थे ना उनके एक्सप्लेनेशन और कमेंट्रीज दी गई है हमें नॉन अगम लिटरेचर में। और ये जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृतिक, संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल एंड जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारे थे आज का टॉपिक, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो हमारा एक टॉपिक रह जाता है जिसे हम कहते हैं कि जैन लिटरेचर, सॉरी जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर में हम देख लेंगे, जैन आर्किटेक्चर कैन नॉट बी एक्रेडिटेड विद द स्टाइल ऑफ इट्स ऑन, इनका कोई अपना स्टाइल नहीं था, इट वॉज ऑलमोस्ट एन ऑफशोर ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल। अब देखो टाइप्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है, लियाना गोम्स केव्स और इलोरा केव्स आ जाती है महाराष्ट्र में, फिर आ जाते हैं मंगी तुंगी केव्स महाराष्ट्र में, गजापंथा केव्स आ जाती है महाराष्ट्र में, उद्यंगिरी कंधार कंधागिरी केव्स है उड़ीसा में,
हाथीगंपा केव्स है उड़ीसा में, सीतावंसल केव्स है तमिलनाडु में, मुक्तागिरी टेम्पल कहाँ पे है महाराष्ट्र में। ये देखो सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं ये हमारे जैन आर्किटेक्चर से, और ये आपको ना एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसलिए आपको प्रॉपर नाम भी लर्न होना चाहिए, उनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टैचूज। स्टैचूज जो में है मेन जो है गोमतेश्वरा, गोमतेश्वरा को हम क्या कहते हैं बाहुबली स्टैचू भी कहते हैं, तो ये है हमारा कर्नाटका में। और स्टैचू ऑफ अहिंसा ये है हमारा महाराष्ट्र में ही है मंगी तुंगी हिल्स में। अब है हमारा नेक्स्ट आ जाता है टेम्पल जियानाला। जियानाला को हम टेम्पल्स ही कहते हैं, तो फर्स्ट टेम्पल जो है दिलावर टेम्पल हमारा कहाँ पे है राजस्थान में, गिरनार एंड पालीतना टेम्पल जो है वो है गुजरात में। अब देखो नेक्स्ट हम एक नोट आपको दिया गया है उसमें हम देख लेते हैं कि जो जैन काउंसिल्स थी वो कहाँ कहाँ हुई थी। जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी, इसमें हमें देखना है कि जो जैन काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी। जैनिज्म में दो काउंसिल्स हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी वो हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी BC में, एंड इसको जो प्रिसाइड किया था वो किया था स्थूल भद्रा ने या स्थूल बाहु ने। स्थूल बाहु कौन थे, जो श्वेतांबर थे उनके उनको हेड किया था इन्होंने। ठीक है, जो सेकेंड जैन काउंसिल थी वो हुई थी वल्लभाई में 512 AD में हुई थी, और इनको जो प्रिसाइड किया था वो किया था देवारिधि ने, देवारिधि ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, अब इसमें सेकेंड जैन काउंसिल का इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें फाइनल कंपाइलेशन हुई थी 12 अंगाज की और 12 उपअंगाज की। हमने देखा था अंगाज एंड नॉन अंगाज, तो जो अंगाज की 12 अंगाज की कंपाइलेशन हुई थी वो हुई थी ड्यूरिंग दी सेकेंड जैन काउंसिल। ठीक है, तो ये हमारा था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप ये बाकी ऊपर वाला पॉइंट भी पढ़ सकते हो एक बार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आप सबको जेनिज्म का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि जेनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस था। सेकेंडली हम ना जेनिज्म की दो थ्योरीज आती है, दो थ्योरीज कौन सी आती हैं वो हम आपको बताएंगे, और इनमें मेजरली क्या डिफरेंस है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बस जैनिज्म में हमें यही करना है, और कुछ हमारा यहाँ पे रह नहीं गया। ऑलमोस्ट हमारा जैनिज्म कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा यही टॉपिक रह गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे अच्छे से। तो तब तक जितना भी आपका काम हो चुका है इसको आप रिवाइज करते रहो, अच्छे से अपना रिवाइज करो। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज देखो जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे आपके वो डाउट जो है ना वो बर्डन बन जाएंगे, बर्डन बन जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए डाउट्स आज के साथ अपने क्लियर करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।